देखिए आज सैटरडे और हम अपने दोस्त, तो आप ये देख सकते हैं ये उतना बड़ा झरना नहीं है वैसे, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत झरना है नालाबोन में। अगर आप यहाँ आओ तो इसे काफ़ी अच्छी तरह से देख सकते हो। तो हम काफ़ी बीच जंगल में पहुंच चुके हैं, तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग सा मिला है तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये आप देख सकते हैं पूरे ही पेड़ में है ये सब कुछ। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे हैं। काफ़ी लंबा सफ़र है ये, अभी भी हम अपने मंजिल तक नहीं पहुँचे हैं क्योंकि बारिश हुई है कल की यहाँ पे। हो सकता है शायद हमें कुछ मिल जाए जंगल में। फिलहाल तो मेरा दोस्त दूसरे रास्ते से आ रहा था, पता नहीं वो अभी तक कहाँ पहुँचा होगा, लेकिन हम इस रास्ते पे चलते रहेंगे और जो भी हमें दिखेगा आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो है ये पेड़। देखिए ये काफ़ी बड़ा पेड़ था लेकिन सड़ चुका है, अंदर से पूरी तरह खोखला है। हो सकता है शायद यहाँ जंगली जानवर रहते हो। मैं आपको इसे अच्छी तरह से दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा पेड़ था ये। हम काफ़ी घूम चुके हैं जंगल में लेकिन उसके बाद हमें कुछ चीज़ मिली है जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये पता नहीं कौन सा फूल है लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत है, मुझे लगा इसकी वीडियो बना देता हूँ मैं। और भी ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे फूल है, अब ये फूल है या फिर कोई चीज़ है मुझे नहीं पता, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए इसके पत्ते काफ़ी ही बड़े हैं। अब मुझे नहीं पता इसकी लोग सब्ज़ी बना के खा सकते हैं या फिर ये कुछ और है, लेकिन जो भी है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जिस चीज़ को ढूंढने के लिए मैं इस जंगल में भटक रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रही है फ़िलहाल, लेकिन उम्मीद है मिल जाए। बर्फ़ तक पहुंच चुका हूं मैं, ये आप देख रहे होंगे। ये देखिए बर्फ़ मिलनी शुरू हो चुकी है, इतनी हाइट में आ चुका हूं मैं। अप्रैल लगा इस वक्त और अप्रैल में भी हमें बर्फ़ मिल रही है, तो खुद सोच सकते हैं आप कितनी ऊंचाई पर हूं इस वक्त हूं मैं। काफ़ी अच्छी जगह है ये, आप देख सकते हैं मेरे। लेकिन अब तक शायद मुझे अपने दोस्त को ढूंढना पड़ेगा। जब तक मेरा दोस्त आ नहीं जाता तब तक मैं यहीं पर रेस्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा जो मुझे मिली है इस वक्त। ये किसी जानवर की हड्डी है मुझे लगता है, या फिर कुछ और है ये, हो सकता है कुछ कोई जानवर मारा हो किसी भालू या शेर ने, हो सकता है।
काफी अजीब था। ये देख सकते हैं आप कैसी जगहों से होके आया हूँ मैं। जब तक मेरा दोस्त आया नहीं जाता मैं यहीं पे रेस्ट कर लेता हूँ। देखिए मुझे एक गुफा मिली है, काफी बढ़िया। ये कैमरे में दिख नहीं रही अच्छी तरह से, लेकिन एक शेर या भालू इसमें आराम से रह सकता है। लेकिन अब तक हमें कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली है। तो मैं और मेरे दोस्त पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और हमें एक नई चीज़ मिली है। ये किसी सब्जी बनती है इसकी, मेरे दोस्त का मानना है कि इससे सब्जी बनती है, तो हम इन्हें तोड़ के ले जाएंगे, और जब सब्जी बन जाएगी तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे उसको। देखिए बीच जंगल में हमें रास्ता मिला है। अब इतनी हाइट पे पहुंच चुके हैं कि बर्फ़ शुरू हो चुकी है, मतलब कि बर्फ़ मिलना शुरू हो चुकी है। और हम इस साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ से कितनी हाइट है, और हम रास्ता ढूंढ चुके हैं जंगल में, और ये मेरे दोस्त पहुंच चुके हैं। ये देखिए पीछे बर्फ की पहाड़ियाँ नज़र आ रही है हमें, इस पे जो देख रहे हैं आप पीछे, ये काफ़ी दूर है, मेरा कैमरा उतना जूम नहीं कर पाएगा, लेकिन हम काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं यहाँ से। अभी हम आपको इसको टॉप से पूरी तरह से व्यू दिखाएंगे। देखिए मुझे कुछ मिला है, अब ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, शायद ये जंगली मशरूम हो या फिर कुछ और हो सकता है। देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं बर्फ़ की चोटियाँ दिख रही है, और नीचे सूखा दिख रहा है, मतलब कि इतने ऊपर पहुँच चुके हैं हम। और आप यहाँ देखिए बर्फ़ दिख रही है हमें, और उम्मीद है हमें अब थोड़ा ही और जाना पड़ेगा, उसके बाद हम इस चोटी की सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं सबसे ऊंची चोटी पर, जिसका नाम है भलाड़ा। और ये देख सकते हैं आप आगे पेड़ जो है टूटा हुआ है, बिजली से आधा पेड़ टूट चुका है। ये आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ मैं। ये पेड़ देख सकते हैं आप जो आधा ऊपर से टूटा हुआ है, इसमें बिजली गिरी है, इस वजह से ये दो तरफ हो चुका है। काफी बड़ा पेड़ था ये। देखिए हमें कुछ और काफ़ी अच्छी चीज़ मिली है, ये मधुमक्खी का छत्ता है, लेकिन ये आप वो कह सकती है वो दूसरी मधुमक्खी होती है जंगली, ये हमें मिला है जंगल में। काफ़ी हाइट में पहुंच चुके हैं हम, लेकिन इसके बाद भी हमें अभी तक बर्फ़ तक पहुंच चुके हैं हम। कुछ चीज़ें हमें मिली है, इसके बाद भी हम गुच्छी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें अब तक नहीं मिली है। हम काफ़ी हाइट में आ चुके हैं, हमारी खोज जारी रहेगी। देखिए हम वाटर टैंक के पास पहुंच चुके हैं, ये काफ़ी हाइट में है, यहाँ से पूरे एरिया में वाटर सप्लाई हुई है। ये देख सकते हैं आप पाइपलाइन बिछी हुई है यहाँ पे।
और यहाँ भी देख सकते हैं आप, पानी है मेरे सामने, यहीं देख रहे हैं आप, काफ़ी हाइट में आ चुके हैं हम। अगर आपको मैं यहाँ का व्यू दिखा सकता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। ये देखिए हम पहुँच चुके हैं बुलाड़ा के मेन, जिसे मेन बुलाड़ा कहा जाता है। ये काफ़ी चौड़ी जगह है यहाँ पर, इससे आगे का व्यू हम आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है भिलाड़ा से, और ये बर्फ़ की ऊंची ऊंची वादियाँ जो लास्ट में दिख रही होगी आपको, यहाँ से श्रीखंड महादेव भी देख सकते हैं आप। ये चोटियाँ हमें याद दिलाती है उस वक्त की जब सर्दी में बर्फ़ गिरी रहती है। काफ़ी शानदार व्यू है जिसे आप याद रखेंगे। ऐसा व्यू बहुत ही कम मिलता है देखने में। काफी अच्छा व्यू नजर आता है यहाँ से, अगर आप देख पा रहे होंगे, आपको फ्रंट कैमरे से दिखाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है ये, और आप आगे नंदक्री देख सकते हैं। खूबसूरत वादियाँ जो हमसे कहती है। ये देख पा रहे होंगे आप, ये नंदक्री है और उन किन्नर कैलाश। ये चोटियाँ देखिए आप, बर्फ़ की कितनी खूबसूरत चोटियाँ दिखती है यहाँ से। और ये भिलाड़ा, इसकी पीक हाइट पर पहुंच चुके हैं हम, और यहाँ से जितनी भी ऊंची ऊंची हाइट वाली जगह है सारी दिख जाती है हमें। हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। इस जगह का नाम है भम टिकरी, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जगहों को। जो ये ऊंची पहाड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम हाटू है। यहाँ पे बर्फ पड़ी है इस वक्त। और यहीं पे जो ये पीक ऊंची आपको दिख रही है, इसका नाम कोट है। और इधर लोगों के घर भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की ओर। काफी शानदार नज़ारा है ये, अगर आप यहाँ आओ बम टिकरी तो इसे ज़रूर देखिएगा। यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं हाटू पर, लेकिन इस वक्त रास्ते में काफ़ी बर्फ़ होगी, इस वजह से यहाँ पे जाना भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ से भी शॉर्टकट रास्ता है सीधा इसके टॉप टॉप पर, पहाड़ी पर जाके हम यहाँ पहुँच सकते हैं। अप्रैल का महीना है और इसमें भी बर्फबारी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इन शानदार पहाड़ियों को। काफी अच्छी जगह है यहाँ पे, तो हम यहाँ से वापसी की ओर चल पड़ेंगे।
ये यहाँ से व्यू आ चुका है जान से। काफी ऊंचा ढांक, ये देखिए यहाँ से कितनी गहराई है इस ढांक की। और आगे देख सकते हैं आप, यहाँ से ऊंची वादियाँ। काफ़ी अच्छा ढांक मिला है हमें और काफ़ी ऊंचा है ये, एक पूरा का पूरा पत्थर। आखिर जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल ही चुकी है, लेकिन इसका सारा श्रेय जाता है संजू मेहता को, जिसे आप देख सकते हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे हमें क्या चीज़ मिली। साथ में इसे जंगली मशरूम कहते हैं, और ये आप देख सकते हैं एक में फोकस। जैसा कि आपने देखा, तो ये देखिए हमें मिल चुकी है जंगली मशरूम। इसे पहाड़ी भाषा में चेहूं कहा जाता है और गुच्छी भी कहते हैं इसे। बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, हम सुबह से ढूंढ रहे हैं, अब जाके हमें ये चीज़ मिली है। 15 से 20 हज़ार रुपये किलो तक बिकता है ये, काफ़ी ऊंचाई वाली जगह पर होता है। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि हम बर्फीली पहाड़ियों में जा चुके हैं काफ़ी हाइट तक, तो अगर हमें और मिले तो हम आगे आपको बताएंगे। देखिए हमें एक दूसरी जगह पे और मिल चुका है, तीन मिल चुके हैं हमें कंटिन्यू। ये देख सकते हैं आप, देख नीचे देखो। देखिए हमें एक और मिल चुका है, ये देखिए यहाँ पे तोड़ तो संजो। चार मिल चुके हैं हमें इसी के साथ, खोजबीन जारी है, शायद हमें और भी मिल जाए। देखिए हमें आखिरकार एक नई चीज़ मिली है जिसे बांस कहते हैं, काफ़ी हाइट पे होते हैं ये। ये देखिए रास्ता काफ़ी बर्फीला है, चलना थोड़ा मुश्किल है इस रास्ते में, लेकिन ये देखिए ये बांस काफी मजबूत होते हैं। काफी काफी मुश्किल रास्ता है, एक नई चीज मिली है हमें। ये फूल पता नहीं किस चीज़ के है,
और यहाँ पे ये काफी सारे फूल है, आप देख सकते हैं इस पत्थर पे काफी खूबसूरत फूल है ये। जूते पूरी तरह से गीले हो चुके हैं, काफी कांटे हैं रास्तों में, लेकिन इसके बाद भी हमें घर की ओर अब जाना ही होगा। अगर हमें और कुछ मिलता है तो आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे हम। देखिए आखिरकार मुझे भी मिल चुकी है गुच्छी, ये देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ऊपर से बिल्कुल ब्लैक है, अचानक दिखी है मुझे, वरना मुझे आज तक कभी दिखते नहीं है जंगल में। ये देखिए सामने जो आप देख रहे हैं ये गुफा है, और यहाँ पे भालू होने के चांस 90% है, क्योंकि पिछली बार मेरे दोस्त यहाँ से गुजरे थे और भालू इधर से ही देखा गया था। तो हम काफ़ी ख़तरनाक जगह पे इस वक्त, हमें जल्द से जल्द यहाँ पे खोजबीन करनी है और उसके बाद तुरंत निकलना होगा। इसी के साथ आज हम अपना काम समाप्त कर चुके हैं और घर की ओर जा रहे हैं, और आज सुबह 10 बजे आए थे हम और अभी के शाम के 5 बज चुके हैं, आप ऐसा सोच लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले बिल्कुल भी।